मैं प्रियंका, फूड फिटनेस और फोटोग्राफी में आप सबका बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ केसर पिस्ता श्रीखंड। तो देखते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने पैन में यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया हुआ है। मैंने यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क लिया हुआ है। मैं इसे मीडियम गैस पे 10 से 15 मिनट तक उबालूंगी और दूध को उबाल आने के बाद हम गैस बंद कर लेंगे। यहाँ पे दूध को उबाल आया हुआ है, 10-15 मिनट हो चुके हैं, हम गैस बंद कर देंगे और ये दूध हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे फ्लैट बर्तन लिया हुआ है। दही लगाते टाइम मोस्टली फ्लैट बर्तन में अगर आप दही लगाओगे तो दही अच्छे से बन जाता है। हम पूरे दूध को इस बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और हम इसे 5-10 मिनट तक ठंडा होने देंगे। हमें इसे पूरा ठंडा नहीं होने देना है। हम हाथ से इसे चेक कर सकते हैं कि हमारा दूध थोड़ा ठंडा हुआ है या नहीं, या नहीं तो स्पून ले सकते हैं, इसमें हम अपनी एक उंगली डाल के चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून दही। अब हम इसे ढक के रख देंगे। अगर हम ठंडी में इसे बना रहे हैं तो हम ऐसे नीचे कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर ये बर्तन रख देंगे और फिर उसे सारी साइड से अच्छे से ढक देंगे। मैंने इसे ओवरनाइट के लिए रखा था। आप चाहे तो 8 या 9 घंटे के लिए रख सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा दही बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे दही एकदम गाढ़ा बन चुका है। अब मैं इसे निकाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसके ऊपर मैं चाशनी रखूंगी और उसके ऊपर मैंने रखा है कपड़ा, सूती कपड़ा मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब मैं ये सारा दही उस पे डाल दूंगी। हमें इस दही का पूरा पानी निकाल देना है, तो हम इस दही को इसमें पूरा ट्रांसफर कर देंगे। अब ये कपड़े को उठा लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे पानी गिरना शुरू हुआ है। अब हम कपड़े को अच्छे से निचोड़ देंगे ताकि दही का पूरा पानी निकल जाए। अब चाहे तो कपड़े को ऐसे निचोड़ के उसके ऊपर कोई हेवी चीज रख सकते हो। मैं यहाँ पे रबर लगा रही हूँ इस कपड़े को। आप देख सकते हो नीचे इतना पानी अभी से ही जमना शुरू हो गया है। मैंने ये भी ओवरनाइट रखा था, आप चाहे तो 3-4 घंटे रख सकते हो। मैं ये रबर को निकाल दूंगी। और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये चक्का बन के तैयार हो चुका है, एकदम गाढ़ा बन चुका है। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर दूंगी और ये पानी भी आप देख सकते हो इतना पानी निकल चुका है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। हमें इसकी थोड़ी क्रीमिश कंसिस्टेंसी चाहिए। इसकी ये कंसिस्टेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से क्रीमिश हो चुकी है।
अब इसमें मैं बाकी के इंग्रेडिएंट डाल दूंगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी आधी कटोरी शक्कर और फिर से उसे एक बारी शक्कर को अच्छे से मिक्स होने दूंगी। और शक्कर अच्छे से मिक्स होने के बाद अब मैं यहाँ पे डालूंगी केसर दूध। मैंने यहाँ पे केसर गरम दूध में डाल के रखा था 4-5 घंटे के लिए। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो। अब मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर और कटे हुए पिस्ता और इन सबको अच्छे से मिला दूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हो ये हमारा श्रीखंड बनके तैयार हो चुका है। ये केसर पिस्ता श्रीखंड रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और रेसिपी पसंद आई तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।